हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल साहिल दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बाइक एंड कार वॉशर दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था एंड आई हैव ऑल्सो टेस्टेड दैट प्रोडक्ट फॉर वॉशिंग माई बाइक। तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, 1500 से 2000 के बीच में इसका प्राइस चलता रहता है, वेरिएशन रहती है सेल पे, हर बार सेल जब भी आती है तो इसका प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप घर पे बाइक या कार वॉश करना पसंद करते हैं या फिर बाहर मार्केट में बार बार पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और 16 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है, एक बार इसमें 16 लीटर पानी भरो या 15 लीटर, जितना भी मतलब आपको लगता है कि आपकी बाइक या गाड़ी पर लगेगा। दी डिसएडवांटेज इज़ ओनली के आपको इस प्रोडक्ट में कुछ भी मतलब शैम्पू या लिक्विड, जिससे भी आप बाइक या गाड़ी धोना पसंद करें, वो डालने के लिए अलग से कोई बॉटल नहीं मिलती है, उसको आपको अलग से एक मग में डाल के अप्लाई करना पड़ता है शैम्पू को। बट अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छा है। सो लेट मी गिव यू अ क्विक डेमो ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर वी मूव टू द बाइक वॉशिंग पार्ट, let me quickly show you what we get inside the box of this high pressure portable car or bike washer. So ये कुछ इस तरह के box में आता है, जिसपे कि इसके पूरे box पे advertisement etc. detail ये वो सब कुछ लिखा होता है। 16 liter of tank capacity, 40 watts of motor, 6 meter hose pipe, safety filter for motor, 3 meter car cigarette lighter connector cable. तो ये सब चीज़ें इस box में आती हैं। So now let me show you that how the washer actually looks and how all the accessory look like. तो कुछ इस तरह से ये टैंक दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द पावर ऑन ऑफ स्विच, द पावर केबल कनेक्टर एंड द होज कनेक्टर। कुछ इस तरह से ये आपका बॉक्स ओपन होता है। ये सब इसमें एक्सेसरीज आती हैं आपकी। एक सॉफ्ट सा ब्रश आता है जो कि होस के साथ कनेक्ट होता है एंड दिस कनेक्ट विद दिस वन। तो एक तरफ से ये होस कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से इसमें पाइप कनेक्ट होता है। और जब आप फोम या शैम्पू एट्सेट्रा कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे बाइक या कार की क्लीनिंग में आपकी हेल्प करता है। साथ में इसका स्पेसिफिकेशन पेपर एंड दो वॉशर, दो एक्स्ट्रा फ्यूज़ आते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इसका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का इसका कनेक्टर एंड पावर केबल है, जो कि लेंथ में आइडियली बहुत ही लंबा है कि आपको गाड़ी से अपने वॉशर को ज़्यादा नज़दीक में, या मतलब आपको कहीं पे भी अपने वॉशर को गाड़ी से डिस्टेंस पे रखने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और ये है इसका पाइप, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का पाइप है। दोनों तरफ इस तरह के ये होज दिए होते हैं इसमें, जो कि ऐसे पीछे पुल करके आपको उसमें कनेक्ट करना होता है। एंड देन ये इसका मेन होज है, जो कि प्रेशर वॉशिंग में काम आता है। तो ये प्रेशर होज है इसका। और इसकी भी मतलब क्वालिटी, अगर आप एक्चुअल में इसको यूज़ करके देखेंगे, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबल है। इट गिव्स यू द फील के जल्दी, बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला मटेरियल नहीं है। और इसको आप अपना प्रेशर को यहाँ से रोटेट करके इसके नोज़ल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इसमें इसका वाटर पंप इसमें फिट होता है, इस एरिया में। यहाँ पे इसका जो है पंप के लिए इन्होंने नोज़ल लगाया होता है, जहाँ से ये पानी पोल करता है। फिर इस जगह से इसका वाटर आउटलेट काम करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी कार एंड बाइक वॉशर। लेट मी क्विकली गिव यू अ क्विक डेमो के हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ गुड इट इज़। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रेशर नोजल एंड होज कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ से ये पाइप मेरा वॉशर के साथ अटैच है। अब आप लोग देख सकते हैं कि वॉशर में और बाइक में कितना डिफरेंस है, बट स्टिल द पाइप इज़ लॉन्ग एनफ कि मैं आराम से दोनों चीज़ को डिस्टेंस पर रख के वॉश कर सकता हूँ। तो एक तरफ इसका पावर केबल और दूसरी तरफ इसका पाइप, और ये पावर केबल गया मेरा 12 वोल्ट कनेक्टर में गाड़ी के अंदर। और गाड़ी मैंने कर दी है ऑन, जस्ट के सिर्फ इसलिए कि बैटरी इसकी जल्दी कंज्यूम ना हो। तो इधर से मैंने इसको ऑन करा, पंप इसका थोड़ा सा आवाज़ करता है ऑन होते ही, प्रेशर क्रिएट करता है। And then I just need to do this.
तो अब एक बार का इस पे मैंने पानी मार दिया, पानी मारने से बाइक काफ़ी हद तक चमकती हुई धमकती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। सो नाउ इट्स द टाइम दैट वी अप्लाई द शैम्पू, और शैम्पू आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप 3M का शैम्पू बाइक वॉशिंग के लिए मंगा के यूज़ करें इन पर्टिकुलर, या फिर आप घर का अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना चाहें दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट आप अगर मैं इन पर्टिकुलर अपने सिनेरियो की बात करूं तो मेरे केस में नॉर्मल शैम्पू एट्सेट्रा कोई सा भी शैम्पू मैं यूज़ करूं मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना टैंक, साइड पैनल्स, आगे का मडगार्ड, इन सब की पूरी लेमिनेशन कराई हुई है, तो इट हार्डली इम्पैक्ट ऑन द बाइक कलर। बट आई सजेस्ट कि आप लोग एक बढ़िया क्वालिटी का 3M का या किसी भी और ब्रांड का अच्छा सा कोई शैम्पू यूज़ करें। So guys, the bike wash is almost done in within the 16 liter water what we have brought in that tank. आप लोगों के सामने है बाइक एकदम अच्छे से साफ हो गई है, चमक रही है, शाइन कर रही है। अब इस पर कुछ नहीं करना है मेरे को, एक नॉर्मल सिंपल सा कपड़ा लेके बाइक को साफ करना है एंड दैट्स इट। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इस टैंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से मैंने ख़रीदा था, वहाँ से आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई बाइक वॉशर, कार वॉशर, बाइक एंड कार वॉशर की। अब बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। तो प्रॉज इसमें ये है कि आप एक बार 1500-1600 रुपये या 1700 रुपये लगाओगे, बट बार 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 आपको बाइक या गाड़ी के लिए जो आप पैसा लगाते हो वॉशिंग के लिए, अगर आप बाहर जाते हो, वो लगाने की आपको नीड नहीं है। हार्डली 15 से 20 मिनट आपको पूरे लगते हैं गाड़ी या बाइक को वॉश करने में, गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, आधा घंटा मान लो। तो विद दैट सेट, कॉन्स इसके जो हैं सिर्फ मुझे एक ही लगता है कि पानी भर के 16 लीटर उठा के इसको गाड़ी या बाइक तक लेके आना, दैट सेट। उसके अलावा मुझे इसका कोई कॉन नहीं लगता। दूसरी अदरवाइज़ अगर कुछ चीज़ देखें तो आप ये कह सकते हो कि जितनी देर आपकी गाड़ी या फिर बाइक धुल रही है उतनी देर तक आपको गाड़ी में इसको कनेक्ट करके ऑन रखना पड़ता है गाड़ी को। तो आइडल रनिंग में इतना वैसे पेट्रोल या डीजल कंजम्पशन नहीं होता है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक बेस्ट ऑप्शन मेरे को ये लगता है कि आप इसको यूज़ करो, खुद से गाड़ी धो, बाइक धो, मज़ा ही अलग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, और अगर